अगर आप सारे उपाय कर चुके हैं, आपके गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और गुड़हल का पौधा बहुत ही मुरझाया हुआ है, पत्तियां जो है कि पीली सी दिख रही हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसको करने से आपको जो है कि फ्लावरिंग और फूल कलियाँ सब सही हो जाएंगा। अभी अगस्त का ये स्टार्टिंग महीना है, अगर आप इसी समय कुछ ज़रूरी काम कर देते हैं तो नवंबर से दिसंबर तक आपके पौधे में बहुत ही अच्छी अच्छी कलियां निकलना शुरू हो जाएंगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती रहेगी अगर ज़रूरी कुछ काम एक कर देते हैं तो। ये जो खाद हम बता रहे हैं इसका असर 3 महीने तक लगातार रहता है, 3 महीने बाद इसका दोबारा ज़रूरत आपको पड़ेगी और आपको रिपीट 3 महीने से पहले नहीं करना है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल तक फ्लावरिंग देता रहता है और मानसून में ही इसकी कटिंग जो है कि लगती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि गुड़हल की जो देसी वैरायटी का गुड़हल है उसी की जो है कि कटिंग जो है कि आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड की कटिंग नहीं लगती है। और जो हाइब्रिड का है पौधा वो सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, लेकिन उन पौधों को स्वस्थ बनाने के लिए या रेडी रखने के लिए अगस्त के शुरू में ही खाद हाइब्रिड वाले गुड़हल में डालने होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि खास करके जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि पहला है कि गुड़हल में ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, और गुड़हल के पौधे पर अगर मिलीबग्स का अटैक हो गया हो तो कैसे ठीक होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि मिलीबग्स का अटैक जब आपके पौधे पर हो जा रहा है तो उसको कैसे आप सही करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो पर बना रहे हैं तो बताएंगे। और गुड़हल का पौधा अगर नया लगा रहे हैं तो उसकी कटिंग को कैसे आप लगाएंगे और पौधे को लगाने के लिए जो उसकी मिट्टी होगी उसको कैसे तैयार करेंगे। ये देखिए मेरे गुड़हल का पौधा है, ये काफ़ी पुराना है और पौधे ये जो है कि काफ़ी हरा भरा भी है, आप देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा ये पौधा हमारा है और इसमें कलियां नहीं बन रही है। जब ये आपको गुड़हल पर कलियां नहीं बन रही हैं तो सबसे पहले इसमें देखना है कि पत्ते के पीछे जो ये पत्ते हैं इनके पीछे वाइट ये फंगस जो होता है इसके पीछे ही लगता है, ये तो इसमें नहीं लगा है। और जो है कि जो वाइट फंगस होता है इस पत्तियों के पीछे ही इसमें चिपका होता है बिल्कुल। तो गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स लगना एक बहुत ही कॉमन बात है और जब इस पर वो लग जाता है तो फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती है, ये इसका मुख्य कारण है और पत्ते के पीछे चिपके होते हैं। पौधे के अंदर जब ये मिलीबग्स लग जाएंगे तो पौधे के अंदर जो है कि अंदर इसको खोखला कर देते हैं, यानी कि आप अपने पौधे पर जो है कि खाद जो भी कुछ डालेंगे तो वो सब जो मिलीबग्स हैं वो अपना जो है कि अटैक करके वो खा जाते हैं और पौधे पे जो है कि इसका असर नहीं होता है, और इसी कारण जो है कि आपका जो पौधा दिखेगा स्वस्थ लेकिन स्वस्थ दिखने के बाद जो है कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, आपका पौधा पर फूल नहीं आएंगे, कलियाँ नहीं जब बनेंगी तो फूल कहाँ से आएँगे। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है कि आपके पौधे पर मिलीबग्स का अटैक तो नहीं है, अगर रहेगा पौधा स्वस्थ दिखेगा लेकिन इस पर कलियाँ आएंगी नहीं, फ्लावरिंग होगा नहीं, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि आपके पौधे पे ये चीज़ तो नहीं है। तो आप अपने पौधे की पत्तियों को उलट पलट करके चारों तरफ से आप इसको निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं इसमें जो है कि मिलीबग्स का अटैक तो नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पता चल जाता है, तो उसका उपाय यह है कि नीम आयल को जो है कि 1 लीटर पानी में मिला करके और स्प्रे कर दिए। कुछ दिन पहले हमने नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिला के इस पौधे पर हमने स्प्रे किया था और रिजल्ट आपके सामने है, तब जाकर इस मिलीबग्स जो लगा था वो ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ जो है कि बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ है, देख सकते हैं कितनी सारी इसमें कलियाँ वो रूट्स निकले हुए हैं, बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ है। कुछ समय पहले इस पर हमने नीम स्प्रे किया था, और अगर आपके पास इसका जो है कि नीम स्प्रे नहीं हो रहा है तो आप जो है कि नीम ऑयल की जगह 1 चम्मच शैम्पू को 1 लीटर पानी में मिला करके आप इस पर जो है कि स्प्रे कर दीजिए। अगर आप शैम्पू का स्प्रे इस पर करते हैं तो इस पर आपके पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, मिलीबग्स ख़त्म हो जाएगा आपका। ये जो खाद हम आपको बताएंगे आप इसको टिकोमा पर भी देख सकते हैं, एक्जोमा पर भी आप देख सकते हैं, एक्जोमा पर इसी तरह का केयर करना है जैसा कि हम आपको गुड़हल के बारे में बता रहे हैं।
देखिए, गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं होने के बहुत सारे जो है कि कारण हो सकते हैं, और गुड़हल पर यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तब भी फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं आती हैं। गुड़हल का जो है कि समय पर अगर आप उसको प्रूनिंग भी नहीं कर रहे हैं तब भी जो है कि फूल नहीं उस पर आएंगे। तो गुड़हल पर जो है कि समय से प्रूनिंग भी करना ज़रूरी है। जब प्रूनिंग करेंगे तभी जो है कि इस पर समय से फ्लावरिंग होना शुरू होगा। तो गुड़हल पर जो है कि प्रूनिंग भी करना बहुत ही अति आवश्यक है। और आप तेज़ धूप में नहीं इसको मिल रही है और कम धूप मिल रही है तब भी फ्लावरिंग नहीं होती है। एक या दो घंटे की धूप मिल जाती है तब भी जो है कि फ्लावरिंग नहीं होती है। गुड़हल पर आप समय समय पर फीड नहीं कर रहे हैं, यानी उसको भोजन में जो मतलब बोले तो इसको खाद, उसका खाद ही जो है कि भोजन है। तो गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होने का ये भी कुछ असर करता है। और ये सब कुछ आप अगर कर रहे हैं और खाद भी दे रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपकी मिट्टी, जो आपकी मिट्टी है, ये गमले की जो आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी में जो है कि अभी कुछ कमी है। इसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप पूरा करेंगे तभी जो है कि आपकी फ्लावरिंग अच्छे से होगी। तो इसलिए इस पर जो है कि ध्यान देना है कि इसके समय समय पर इसको खाद के साथ साथ मिट्टी के अनुरूप उसमें जो है कि खाद डाली जाए। जब हम गुड़ाई करते हैं किसी भी पौधे, उसकी मिट्टी को भुरभुरी नज़र आती है। अगर दूसरी चीज़, आपको प्रूनिंग अगर नहीं किया है तो अपने पौधे पर बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ करें। तो प्रूनिंग ज़रूरी कर दीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस सॉइल में लगा है, सॉइल बेल्डन होना चाहिए। बरसात का अगर समय है तो उसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए। और गुड़हल के लिए आप जब भी मिट्टी बनाएं तो नॉर्मल मिट्टी 50% लीजिए उसमें, और कंपोस्ट 30% लीजिए, नीम खली 50% लेकर के एक अच्छा सा सॉइल जो है कि आप तैयार करिए। और जब आप तैयार कर रहे हैं अच्छा सा सॉइल, तो देखिएगा कि पौधे की गुड़ाई कर देते हैं, और जैसे ये हम गुड़ाई कर दिए हैं तो यहाँ की जो मिट्टी है, जिधर देख रहे हैं आप, ये मिट्टी देखिए, हमारी जब गुड़ाई किए हैं तो ये देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। और हम इधर देखिए, इधर अभी गुड़ाई नहीं किए हैं तो इसकी मिट्टी जो है कि अभी कड़ी है। तो इसमें जो है कि प्रूनिंग, सॉइल और मिट्टी, तीनों चीज़ का बारे में हमने आपको बता दिया कि इसकी मिट्टी की गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही चीज़ जो है कि ज़मीन में, गुड़हल को ज़मीन में लगाना है, तो आपको क्या करना है कि चारों तरफ जो है कि जो जहां लगाना है लगा दीजिए इस पौधे को गुड़हल के, और चारों तरफ गोल इसको कंपोस्ट डाल दीजिए गुड़ाई करने के बाद में। और गोलाई में जब आप करेंगे तो नॉर्मल मिट्टी और सॉइल पे जो है कि भर दीजिए। जैसे हम इसको गुड़ाई कर दिए हैं अपने इस पौधे पर, और इसमें अगर हमको कंपोस्ट डालना है तो इसके चारों तरफ हम अपना कंपोस्ट डाल के ऊपर से जो है कि नॉर्मल मिट्टी फिर डाल देंगे, इसके ऊपर नॉर्मल मिट्टी डाल देंगे, जिसके वजह से जो हम बाद में वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग करने के बाद जो हमारी सॉइल से दबी रहेगी जो कंपोस्ट, वो बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर इसके जड़ों तक जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ये सरसों की खली है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और बनाना पिल्स, एक बनाना पिल्स में एक चम्मच सरसों की खली और एक लीटर पानी के साथ आप इसको भिगो दीजिए, और भिगोने करके आप इसको रख दीजिए। और बनाना पिल्स और सरसों की खली का जो कम्युनिकेशन होता है हमेशा गुड़हल के लिए जो है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और इसका कम्युनिकेशन हमेशा गुड़हल के लिए अच्छा फीड होता है, और इससे मिट्टी जो है कि बहुत ही उपजाऊ बनती है। इसमें जो है कि इसके फर्टिलाइज़र के प्रयोग से जो है कि बहुत अच्छी अच्छी इसमें कलियां निकल के आती हैं, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, इसके फूल जब निकलेंगे बहुत ही चमकदार होते हैं, लाइट होते हैं। और ये इसका कम्युनिकेशन गुड़हल के लिए हमेशा 100% अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे इसकी फ्लावरिंग जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। आप देख सकते हैं, आप इसका प्रयोग करिए जो है कि ये इसमें पोटेशियम फास्फोरस, इसमें जो है कि पोटेशियम फास्फोरस की जो कमी होती है ये हमारे पौधे को पूरा कर देती है, और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, इसको ये बढ़ा देती है। और बनाना पिल्स का जो लिक्विड है वो मिट्टी की नमी को बना के रखता है। और सरसों का खली का जो कम्युनिकेशन है हम गुड़हल को देते हैं, तो निश्चित रूप से 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। आप इसको एक बार बना करके देखिए, एक बनाना पिल्स और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है कि सरसों को खली को डाल करके लिक्विड बना करके आप इसमें दीजिए।
बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, दोबारा नहीं करना है, 15 दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बीच बीच में आपको बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन जो मैं एक चम्मच खाद डाल रहा हूँ आपको ये 15 दिन में एक बार ही करना है। इसको आप जो है कि 15 दिन में एक बार करिए। और सरसों की खली का पाउडर बना करके एक चम्मच, लगभग ये 5 ग्राम जो है कि एक गमले में आप दे सकते हैं। आपके पौधे की जो है मिट्टी जो है कि अभी बिल्कुल गीली जब है, तो ये पाउडर वाला जो है कि आप दे सकते हैं। एक गमले के लिए 5 ग्राम पर्याप्त होता है। और मैंने बताया कि केले के छिलके का 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सरसों की खली को मिला करके आप देंगे, तभी आपके पौधे में कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र हमारा है ये जैविक है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। देखिए, हमारा दिखा रहे हैं आपको जो पुराना पौधा है, ये हमारा पुराना पौधा है, इसको हमने प्रूनिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ बड़ा है, एक बाल्टी में हमने इसको लगाया है, तो इस बड़ा साइज़ होने के कारण हम इसमें जो है कि 3 से 4 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि इसका जो है कि साइज़ जो है कि बड़ा है। अगर गमले की मिट्टी जो है आपके ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो आप इसको पाउडर फार्म में डालिए। इस फार्म में देने के बाद आपका लिक्विड फार्म में दे रहे हैं तो 2 या 3 दिन बाद अगर मिट्टी ड्राई है, नॉर्मल पानी से वाटरिंग कर दीजिए और पौधे को धूप में रख दीजिए। इंतज़ार करिए, 100% आपके पौधे में जो है कि कलियाँ जो है कि बनना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी कलियाँ आपके पौधे में जो है कि देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी कलियाँ इसमें निकल के आने लगेंगी। आप देख सकते हैं आपके इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से आपके पौधे बहुत सारे जो है कि कलियाँ आपके गुड़हल के पौधे में आना शुरू हो जाएंगी इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी जो है कि कलियाँ आएंगी। और मिली बग्स अटैक फिर भी आपका ख़त्म नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच नीम खली इसमें आप मिला सकते हैं, या जो हम शैम्पू वाला उपाय आपको बताए हैं वो कीजिए। यदि मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा जो है कि आपके पौधे पर है तो आपको जो है कि ये वाला फार्मूला जो हम बताए हैं इसको आपको कर लेना है, जिससे आपका अटैक ख़त्म हो जाएगा और फ्लावरिंग जो है कि बहुत अच्छे से होने लगेंगी। जिन पौधे पर मिली बग्स का अटैक हो गया था या हो गया है तो आप उनकी प्रूनिंग निश्चित रूप से कर दीजिए, ताकि आपका जो पौधा है वो सेपरेट बच जाए, ताकि आगे चल करके फिर वो फ्लावरिंग और करने लगे और अच्छा हो जाए। इसलिए जो है कि उस पर जो है कि प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है अगर ऐसा करते हैं तो। सरसों की खली का इस्तेमाल करके आप सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि जब हम कोई भी खाद अपने पौधे में अपने गमले में अगर दे रहे हैं तो रूट के पास ना दें, उनकी जड़ों के पास में कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। आपका ये जो गोल घेरा बना है गमले का, इसके किनारे किनारे जो है कि आप जो है कि कोई भी फर्टिलाइज़र को डालिए। सरसों के खली का वाला खाद हो या कोई फंगस वाला हो, जो कुछ भी है आप डाल रहे हैं तो इसको मतलब किनारे किनारे आप डाल सकते हैं, इनकी जड़ों के पास ना डालें, जिससे कि हमारा जो जड़ है वो उसमें जो है कि नष्ट हो सकता है। और इसमें ज़्यादा जो है कि ऊपर रुका रहेगा तो उसमें स्टोर हो जाएगा जब, तो उसमें फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है। और आप कोई सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अगर डाल रहे हैं तो उसको पानी में डाल करके पतला करके रख दीजिए, और 2 से 3 दिन रख स्टोर करने के बाद जो है कि आप उस पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग सीखें को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना